नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? रमजान मुबारक। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम भारत जोड़ो यात्रा में चले, समुद्र से लेकर हिमालय तक, पहाड़ों तक हमने ये यात्रा की। आपको मालूम है कि देश में आरएसएस के लोग, कट्टरपंथी लोग नफरत फैला रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। और मीडिया में तो बात आती नहीं है, मीडिया में बस मोदी जी का चेहरा दिखता रहता है 24 घंटा। किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे मीडिया में आपको कभी नहीं दिख सकते। मीडिया में आपको बॉलीवुड के स्टार दिखेंगे, क्रिकेट मैच दिखेंगे, मोदी जी समुद्र के नीचे दिखेंगे, सी प्लेन में उड़ते हुए दिखेंगे, फिर कभी आपसे कहेंगे भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मोबाइल फोन चमकाओ, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सबको एक साथ नचवा रहा है। तो यह ड्रामा देश में चल रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, तो हमने सोचा मीडिया में बात नहीं आती, चलो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और पूरे देश में लोगों को साफ पता लग गया कि एक तरफ नफरत है और दूसरी तरफ मोहब्बत है, क्योंकि आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकती है, नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है। और जैसे मैंने यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोली, वैसे ही आप हर रोज मोहब्बत की दुकान खोलते हो। अब देखिए यह सब हो क्यों रहा है। नरेंद्र मोदी जी लोगों का ध्यान इधर उधर क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो धन है वो 10-15 लोगों के जेब में चला जाए। वो चाहते हैं कि अदानी जी जैसे अरबपतियों को लक्ष्य है। आप देखिए हिंदुस्तान में 22 लोग हैं, सबसे अमीर 22 लोग हैं, उनके पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, जितना उनके पास धन है उतना ही धन सिर्फ 22 लोगों के पास है। यह है हिंदुस्तान की हालत। मीडिया देखो, एयरपोर्ट्स देखो, पोर्ट्स देखो, पावर जनरेशन देखो, सेलफोन देखो, जहां भी आप देखोगे यही 20-25 लोग आपको दिखाई देंगे। ये आप फोटो ले रहे हो ना, मोबाइल फोन पे 6-7 घंटे रहते हो, रील देखते हो, पैसा कौन बनाता है? अदानी अंबानी वो ही लोग। गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना, पैसा कौन बनाता है? हिमाचल का सेब खाया है, पैसा कौन बनाता है? सड़क पे चलते हो,
पैसा कौन बनाता है? यहां पे बिजली के दाम बढ़ते जाते हैं, पैसा कौन बनाता है? तो हर जगह वही 20-25 लोग पैसा बनाते हैं, और मीडिया में ये जो हमारे मित्र बैठे हैं ये उन्हीं 25 लोगों का काम करते रहते हैं 24 घंटा। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का ध्यान कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर जाए, मगर असली सवाल ना पूछा जाए। असली सवाल हिंदुस्तान में सिर्फ तीन है, एक बेरोजगारी, दूसरी महंगाई और तीसरी भागीदारी। हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में जा रहा है वो है भागीदारी। महंगाई और बेरोजगारी से आप सब सामना करते हो, हर रोज करते हो। यहां पे युवा प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 5-10 लाख रुपए लग जाते हैं, डिग्री लेते हो, उसके बाद हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो छोटा बिजनेस चलाते थे, यहां पे जो आपकी लूम यहां भी देखता हूं, यहां पे जो आपकी पावर लूम्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको जीएसटी और नोटबंदी ने खत्म कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे अरबपतियों के लिए काम किया है। अरबपतियों ने उनसे कहा, देखो अगर अपना चेहरा टीवी पे चाहते हो तो जीएसटी नोटबंदी लागू करो, और ये जो छोटे व्यापारी हैं हिंदुस्तान में इनको सबको खत्म करो। और वो ही नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, रोजगार बड़े अरबपति नहीं देते हैं, रोजगार यहां पावरलूम में मिलता है, रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं। उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है। तो आज हिंदुस्तान की हालत है कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। पहले आप 400 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते थे, यूपीए की सरकार थी, अब कितने का है? अब कितने का है? 1100। मोदी जी ने कहा था गैस सिलेंडर महंगा है, 400 था 1100 कर दिया। आज मीडिया वाले नहीं कहते कि भैया गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 5 काम करने की गारंटी दी है। वो मोदी वाली गारंटी नहीं, कांग्रेस वाली गारंटी, हमारी गारंटी, मेरी गारंटी, वारंटी के साथ। तो देखिए, जब ये नफरत फैलाई जाती है तो देश कमजोर होता है। अभी ये क्या कर रहे हैं आपने देखा होगा, इनके एमपी ने अभी कहा कि चुनाव के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। देखा आपने, संविधान को खत्म कर देंगे, टेस्ट कर रहे हैं। उसको बताया गया है कि भैया तुम ये बोलो, देखो रिएक्शन कैसा आता है। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो संविधान को खत्म कर सकती है। इससे आपको अधिकार मिला है, यह देश की नींव है, इसको कोई नहीं छुएगा। यह कुछ भी कह ले, हम इनको नहीं छूने देंगे। सबसे पहला ये। दूसरी बात, हमने पता लगाया 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 30 लाख वैकेंसीज भर के हम आपको पकड़ा देंगे। इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ।
क्या नाम है तुम्हारा? तो एज क्या है तुम्हारी? एज क्या है? 9 साल। 9 साल का है, अभी नौकरी नहीं कर सकते। तो पहला काम 30 लाख जो नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, सरकारी वैकेंसीज हैं, उनको भर के हम गरीब लोगों को, आप लोगों को दिलवा देंगे। दूसरा काम, भारत जोड़ो यात्रा में जहां भी मैं गया, युवाओं से बात करता था, पूछता था, कहते थे यूनिवर्सिटी कर दी, कॉलेज कर दिया, डिप्लोमा ले लिया, मगर बेरोजगार है। सही बात? सही बात ना? तो हम एक योजना लाएंगे, उसका नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे मनरेगा में हमने रोजगार का अधिकार दिया ना, वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, जिसके पास भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्री हो या डिप्लोमा हो, गारंटी करके अधिकार देंगे 1 साल अप्रेंटिसशिप का। अप्रेंटिसशिप मतलब उसको 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे और 1 साल में उसकी ट्रेनिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में, सरकार में, आपको हिंदुस्तान में एक युवा नहीं मिलेगा, ऐसा आपको एक युवा नहीं। क्या कराटे करते हो क्या? चलो इधर आओ। तो पहली कैसे हो, इस पे आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, मुंह उधर कर लो, मुंह उधर कर लो, बैठ जाओ। अभी अभी तैयार हो जाओ, तुमसे पंच करवाएंगे। कहां है आपका डोजो? किधर है? उधर है। अच्छा, तो पहली नौकरी पक्की मतलब 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी प्राइवेट कंपनी में। नीचे बैठ जाओ तो लोगों को दिखेगा, थोड़ा नीचे बैठ जाओ, शाबाश। प्राइवेट कंपनी में, सरकार में, हिंदुस्तान के हर युवा को जो डिप्लोमा पाया है, ग्रेजुएट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, 1 साल की उसको नौकरी अप्रेंटिसशिप पक्की, ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। यह है दूसरा काम। तीसरा काम, ये जो पेपर लीक होते रहते हैं, ये जो पेपर की चेकिंग की इन्होंने आउटसोर्सिंग कर दी है, इसको हम बंद कर देंगे। सिर्फ सरकारी संस्थाएं पेपर करवा पाएंगी, और अगर किसी ने पेपर लीक करवाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। ये जो पेपर लीक होते हैं, ये जानबूझ के किए जाते हैं, और ये इनकी सरकार ही कराती है, क्योंकि फिर ये आपसे कहते हैं रोजगार नहीं मिलेगा, पेपर लीक हो गया, पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी। ये इनका तरीका है, इसको हम पूरा का पूरा बंद कर देंगे। चौथी बात, आजकल 21वीं सदी में बहुत सारे युवा डिलीवरी का काम करते हैं, ऊबर की गाड़ी चलाते हैं, ओला की गाड़ी चलाते हैं, खाना डिलीवर करते हैं, करते नहीं करते हैं? तो इनके लिए हम एक नया कानून ला रहे हैं। जो भी ड्राइविंग का काम करता है, ऊबर चलाता है,
डिलीवरी का काम करता है, ये एप्स का काम करता है, उसके लिए हम पेंशन देने का काम शुरू कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी मतलब उनको, उनके लिए कंपनी अलग पैसा रखेगी और जब वो रिटायर होंगे तो वो पैसा उनके जेब में पेंशन जैसे दिया जाएगा। और आखिरी काम युवा रोशनी, ये नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप इंडिया करते रहते ना, मेक इन इंडिया, कुछ हुआ मेक इन इंडिया? मेक इन अदानी हो गया, मेक इन अंबानी हो गया, मेक इन इंडिया नहीं हुआ। यहां पे आपके सब लूम बंद कर दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, आपकी कोई रक्षा नहीं की, छोटे व्यापारियों की रक्षा नहीं की। तो इसीलिए हम 5,000 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप फंड भेजने जा रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में 20 करोड़ रुपया हमारी सरकार भेजेगी। और वो सिर्फ गरीब युवाओं के लिए होगा, उनके बिजनेस के लिए होगा। आजकल क्या होता है, बैंक के दरवाजे सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए खुले होते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 20 लोगों 30 लोगों का कर्जा माफ किया है, ठीक है। पार्लूम वालों का कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया नहीं किया। किसानों का कितना किया? 1 रुपया नहीं किया। मजदूरों का कितना किया? 1 रुपया नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए 24 साल का मनरेगा है, 1 साल मनरेगा के लिए 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा 20 लोगों को पकड़ा दिया है। किसानों को, मजदूरों को, आप लोगों को ये कुछ नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार आएगी तो बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, पावर लूम वालों के लिए, छोटे मैन्युफैक्चर यूनिट्स के लिए खोलेंगे। तो ये हमारी कोशिश है। और ये जो बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं ना, इन लोगों को भी हम टाइट करेंगे। ये सोचते हैं कि 24 घंटा आपसे चोरी कर सकते हैं, जीएसटी का पैसा आपका है, मेहनत आप करते हो, और यही 20-25 लोग उठा के ले जाते हैं। तो ये हम बदलना चाहते हैं। अच्छा, आपने ईवीएम की बात की, बिल्कुल सच है। क्या 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 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा, एक इलेक्शन कमीशनर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। अच्छा, आखिरी बात, यहां पे महिलाएं दिख रही हैं, कम दिख रही हैं मगर दिख रही हैं। तो आज हमने कहा है, ओरी आपके लिए आज हमने अनाउंसमेंट की है, हिंदुस्तान की सब गरीब महिलाओं को बैंक अकाउंट में, हर गरीब महिला को बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार डालने जा रही है। बात समझ आई? हाँ, समझे? बोलो, साल के क्या करा जा रहा है? महिलाओं को कितना पैसा दिया जाएगा 1 साल में? 1 लाख। जोर से, 1 लाख।
इंडिया सरकार 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को देगी, ठीक है? बोलो, इंडिया सरकार शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, चलो बोलो, इंडिया सरकार, इंडिया सरकार, इंडिया की सरकार, इंडिया की सरकार हर गरीब महिला को, हर गरीब महिला को सीधा बैंक में 1 लाख, सीधा बैंक पे 1 लाख रुपया डालने जा रही है, रुपया डालने जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी जोर से दबा के, अगर नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का, अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकता है, 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकता है, तो हम भी गरीबों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हैं, हम भी लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर सकते हैं। धन्यवाद, शाबाश, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। पंच करके दिखाओ, नहीं नहीं खड़े होके, खड़े होके दिखाओ, इधर करो, इधर इधर इसमें करो, जोर से जोर से, ये वेरी गुड, शाबाश, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, क्या? लक्ष्मी, तुम करके दिखाओ, कुछ किक करके दिखाओ, डोजो में थोड़ा मुश्किल होगा, यहां पे भीड़ है, कैसे आऊंगा, ये लो, अच्छा किक करके दिखाओ, पहले किक करके दिखाओ, थोड़ा पीछे हो, हाँ अब किक करके दिखाओ, वेरी गुड, इसमें किक करो, किक करो, किक करो, वेरी गुड, एक और, ये लो, धन्यवाद। न्याय का हक मिलने तक।